Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज लाइव में। दोस्तों, जिस तरीके से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, इस कड़ी में वरुण गांधी के एक बयान से कयास लगाए जा रहे हैं कि जो वरुण गांधी है वो कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। और जिस तरीके से राहुल गांधी ने एक बयान दिया था, उसके बाद प्रियंका गांधी और वरुण गांधी के रिश्ते को लेकर कयास और भी तेज हो गया है कि सच में वरुण गांधी जो हैं वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हो सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर प्रियंका गांधी जो है अपने भाई वरुण गांधी को कांग्रेस में लाने में कामयाब हो पाती है तो फिर राजनीति कैसे बदल जाएगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो आज पर हम थोड़ा सा एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे और आपको पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन जो है वो बताने की कोशिश करेंगे। और आपको पता होगा कि कभी राष्ट्रीय हिंदुत्व का झंडा बरादर रहे वरुण गांधी आज पार्टी के हाशिए पर है और लगातार शीर्ष नेतृत्व और उनकी नीतियों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। साल 2009 में हिंदू मुसलमान को लेकर भड़काऊ भाषण देने वाले वरुण गांधी आज मीडिया को आड़े हाथों लेते हुए कहते हैं कि महंगाई और बेरोजगारी बड़ी समस्या है, लेकिन अखबार हो या चैनल सिर्फ जात पात हिंदू मुसलमान की बातें हो रही है। उन्होंने पीलीभीत में एक सभा के दौरान जो है देश में तोड़ने की राजनीति हो रही है, उन्होंने ऐसा कहा। इसके आगे उन्होंने ये भी कहा कि वे नेहरू के खिलाफ है नहीं और ना ही वो कांग्रेस के खिलाफ है। सवाल उठ रहा है कि क्या वरुण गांधी का हृदय परिवर्तन हो गया है? कभी हिंदू मुसलमान पर कड़े रुख अपनाकर बयानबाजी करने वाले वरुण गांधी हैं आज पार्टी की नीतियों पर प्रश्न चिन्ह लगाकर क्या कांग्रेस की अपना रुख करने की सोच रहे हैं? वही बात करें तो वरुण गांधी की जो राजनीतिक है भविष्य, उस पर अभी सस्पेंस बरकरार है। वरुण गांधी के नए राजनीतिक कदमों का यह संकेत इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि एक तरफ जहां राहुल गांधी खुद मोदी सरकार के खिलाफ आक्रामक तेवर दिखाते हुए देश भर में भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, वहीं दूसरी ओर जो है वरुण गांधी के राजनीतिक भविष्य और कांग्रेस के प्रति उनके नरम रुख को लेकर ये कयासबाजी हो रही है। यह हकीकत यह भी है कि प्रियंका राहुल के साथ वरुण गांधी के निजी रिश्ते हमेशा अच्छे रहे हैं। भले ही मेनका गांधी लगातार गांधी परिवार के खिलाफ मुखर रही हो, लेकिन वरुण हमेशा किसी भी तरह के वैसे बयान देने से बचते रहे हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि अगर वरुण गांधी को प्रियंका गांधी कांग्रेस पार्टी में लाने में कामयाब रहती है तो फिर किस तरह से राजनीति बदल जाएगी, इस पर आज मैं बात करूंगा। तो जब ये सवाल राजनीतिक मामलों के जानकारों से पूछा गया, नेहरू गांधी परिवार के बेहद करीबी को समझने वाले राजनीतिक जो विश्लेषक हैं स्मिता पिश्रा से पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि चूंकि आज कांग्रेस यूपी के अंदर कहीं भी नहीं है, ऐसे में अगर एक या दो बड़े चेहरे आते भी हैं तो उसका उत्तर प्रदेश में कुछ बहुत बड़ा फायदा जो है वो पार्टी को नहीं मिलने वाला है। हालांकि स्मिता पिश्रा ने कहा कि हमें इस बात की जानकारी नहीं है कि वरुण गांधी कांग्रेस पार्टी में जा रहे हैं। उनका कहना है कि अतीत में ऐसा चर्चाएं जो एक बार जरूर हुई थी, लेकिन वह बेनतीजा रहा और वरुण की कांग्रेस पार्टी ज्वाइनिंग तक का मामला नहीं पहुंचा। वहीं बात करें तो स्मिता यह भी बताती हैं कि एक डेवलपमेंट ये हुआ है कि वरुण गांधी को अपने संगठन के साथ वैसा रिश्ता नहीं रहा है जो पहले हुआ करता था। किसान और एनआरसी से लेकर यूपी की राजनीति तक वरुण ने अपने विचारों से हमेशा पार्टी के नेतृत्व के खिलाफ ही स्टैंड लिया है, यानी कि वरुण ने जो लाइन ली है वो पार्टी लाइन के खिलाफ है। वरुण से कांग्रेस को कितना फायदा होने वाला है, इस सवाल के जवाब में स्मिता मिश्रा यह बताती है कि कांग्रेस हो सकता है यह मान रही हो कि वरुण गांधी और उनकी मां अगर आती है तो पार्टी को फायदा होगा, लेकिन स्थिति ऐसी है। उन्होंने इसकी वजह से बताई कि चूंकि वरुण और उनकी माताजी का ताल्लुक मुख्य तौर पर बीजेपी में यूपी की राजनीति से है, दोनों ही यूपी के सांसद रहे हैं, ऐसे में आज वहां जिस स्तर पर कांग्रेस पार्टी हाशिए पर जा चुकी है, किसी एक के नाम के आने से कुछ भी बदलाव नहीं होने वाला है। यानी कि चाहे वरुण गांधी आ जाए या फिर कोई और बड़ा चेहरा, कांग्रेस के लोगों में इससे कोई भी बड़ा मैसेज नहीं जाएगा और इसमें शक है कि ऐसे में यूपी में कांग्रेस की जो संभावनाएं हैं उसमें किसी एक बड़े नाम आने से कोई भी बदलाव नहीं है और ऐसा भी नहीं लगता है। खैर, आपको क्या लगता है, क्या वरुण गांधी सच में अगर कांग्रेस का दामन थामते हैं तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को फायदा होने वाला है? इस पर अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। धन्यवाद।